जैन साहब, आपका एक जेम तो कल से चमक रहा है, और चमक क्या रहा है, मतलब पूरे मार्केट में शाइन कर रहा है। बामर लोरी, मुझे याद है आपने जैन साहब के जेम में स्टॉक दिया था, हमने भी मालामाल वीकली में किया था। तो पहले आप अपना नया जेम बताएं, पहले तो इसके बारे में ही बताएं। बामर लोरी डाइवेस्टमेंट को लेकर आज मंत्रियों के समूह की बैठक हुई, आपको तो पता ही, और आप तो चैनल तो एक ही देखते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको मालूम ही है। बताएं पहले तो, आप अपनी राय दीजिए सर। बिल्कुल अनिल जी, सैटरडे संडे को भी एक ही चैनल देख लो आप, वाह और ये क्या बताइए, बात मतलब है। ओटीटी चलेगी बात अलग है, बाकी टीवी चलेगी तो सिर्फ उसमें जी बिजनेस ही चलेगा, 590 नंबर ही बस यही वाह, है। वेरी नाइस। और बिल्कुल बामर लॉरी की अगर आप बात करें तो ये कंपनी देखिए, इसको जब रेकमेंड किया था और मालामाल वीकली में भी शायद 100 के लेवल्स पे रेकमेंड किया गया था, मैंने भी 103-104 के लेवल्स पे रेकमेंड किया था। और इस कंपनी के साथ एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसके डिविडेंड को लोग बाग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब डिविडेंड क्या है, 6% यील्ड है, तो उसको मैंने मेंशन भी किया था उस दिन, तो वो 6-7 रुपया भी गिर जाता तो साथ में देखिए ये जो 130 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया जो भी भाव है, साथ में डिविडेंड यील्ड भी आई होगी। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश, मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है, ये मैंने इनका भी एक बामरॉल है, मैंने वीडॉल की एक कंपनी रेकमेंड की थी, सैपसॉल, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, इनका एक बामरॉल है। तो ऐसे लुब्रिकेंट्स की ये एक ब्रांड है, ट्रैवल एजेंसी है, बहुत सारे इनमें कंपनियां हैं, और कैलकटा में जो रहते हैं उनके तो बिल्डिंग को देखे भी होंगे, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। सो ओवरऑल बामर लॉरी मुझे लगता है कि यहां से भी और वैल्यू बाकी है, देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स में क्या आती है, क्या न्यूज आती है दीपम की तरफ से, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करके रखना चाहिए, अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, हालांकि मैंने जो टारगेट दिया था वो 125-30 का दिया। ओके, 125-30 से तो काफी ऊपर ऑलरेडी बढ़ता, और अभी भी होल्ड करें, हड़बड़ी न करें, क्योंकि जिन डेवलपमेंट की इंतजार थी जी वो डेवलपमेंट अब आपके सामने होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और जैन साहब बताइए आज का आपका जेम्स शेयर कौन सा है सर? बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन कंपनी है जिसका जून का क्वार्टर और सितंबर का क्वार्टर अच्छा नहीं गया, और पूरा लाजमी है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो है लगेज इंडस्ट्री। लगेज इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, और सबसे बढ़िया बात है जब मार्केट आपके 14,000 के लेवल्स के आसपास हो और स्टॉक की प्राइस जो है वो एकदम सस्ते लेवल्स पे, और जो कि अपने मतलब 11-12 हजार के लेवल्स पे मिले और वहां से भी नीचे, मुझे लगता है कि जब हम बजट के शो पे आए थे उसके पहले मार्केट ने हाईज बनाया था, और तब ये करीब 733 का हाईज छुआ हुआ ये स्टॉक है, और आज ये 520-30 के लगभग है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। सबसे बढ़िया बात है इस पूरे इंडस्ट्री में 2 या 3 कंपनियां हैं बड़े सेगमेंट में, तो आप देख लीजिए कि वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी है, और एक एसएमई में एक छोटी कंपनी है, तो ओवरऑल बहुत कम ऑप्शंस है, और लगेज में सॉफ्ट लगेज हार्ड लगेज दोनों में ये कंपनी ने जबरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं, बहुत अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी इन्होंने बनाई है, और पिछले अगर 3 साल की कैगर देखे प्रॉफिट का, दैट इज एस्टोनिशिंग 42%, 5 साल की 43-44%, और सेल्स की ग्रोथ भी 25-26%। मार्च 2020 तक अगर देखें, क्योंकि मार्च 2020 तक ही इनको एक राइट पूरा फाइनेंशियल अच्छा ईयर मिला, तो हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट्स इस कंपनी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा बाउंस बैक का, रिकवरी का और वैक्सीन का थीम प्ले करना है तो लगेज कैन बी अ वेरी गुड इंडस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि अब लगेजेस का यूज नहीं आ रहा, जिस तरीके से लोगों ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और लोग अपनी जो अंदर की भड़ास है वो जबरदस्त निकालेंगे, वो दिख रहा मुझे, मैं वीकेंड पे गया था तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोरोना आया था या कोई वैक्सीन का इंतजार है, लोग जबरदस्त हॉलीडेज पे निकल रहे हैं, एंड मुझे लगता है और खुलेगा तो उसके बाद क्या होगा पता नहीं, अभी लोग बुजुर्ग लोग तो नहीं निकलते बट बाद में सब लोग निकलेंगे, क्योंकि लोग एक साल, तो मुझे लगता है लगेज इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा जैसे वैक्सीन की पूरी चीज है ठीक से हो जाएगी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है, और क्वालिटी कंपनी है, वीआईपी भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है, और मैंने दोनों कंपनियों को एनालाइज किया तो दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी खराब थे, रीजन बीइंग कि ये था, और ऐसा भी कुछ नहीं है, बट मार्च तक अगर देखें तो फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन्होंने दिया, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। एफआईआईज डीआईआईज अच्छा खासा होल्ड करते हैं इसमें, 23-24% स्टेक करीब एफआईआईज डीआईआईज का, प्रोमोटर्स का भी 56-57% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16-17% के लगभग मेंटेन करते हैं, सो आई एम क्वाइट बुलिश। डेट्स भी इन्होंने इस दौरान थोड़े कम किया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, सो इस स्टॉक को लें, और आराम से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 600 रुपए के टारगेट्स के लिए तो इस स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, तो 600 के टारगेट्स के लिए सफारी इंडस्ट्रीज यहां पर करके चलिए खरीदारी। जैसे जैसे अनलॉक होगा, काफी सारे स्टॉक्स और अनलॉक से रिलेटेड एक्शन में आएंगे। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर सफारी इंडस्ट्रीज, यहां पर रखिए नजर। स्वागत करते हैं हिमांशु जी का बीटीएसटी के लिए।